आदेश। जय माता रानी की। हमारे सभी शिष्यों को आशीर्वाद है। हमारा आज का यह वीडियो आपके लिए ही है। इसे शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें और इस सुविधा का लाभ उठाएं। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं, ताकि संघ द्वारा दी जाने वाली ऐसी ही प्राचीन सनातन धर्म की तंत्र मंत्र यंत्र और तंत्रोक्त टोने टोटकों से संबंधित सभी प्रकार की रहस्यमयी वीडियो आप सभी तक तुरंत के तुरंत पहुंच सके। जय श्री माता रानी। आप सभी का हमारे YouTube परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक शिव शक्ति साधना संघ में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग प्रसन्न होंगे और खुश होंगे। काफ़ी दिनों से जो नवीन साधक हैं एवं जो पुराने साधक हैं, उन लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कुल देवता के विषय में, कि कुल देवता की क्या महत्ता होती है और कुल देवता किस प्रकार से हम लोगों के ऊपर कृपा करते हैं। तो आज इसी टॉपिक पे आप सभी लोगों के लिए एक नया वीडियो मैं लेकर आया हूँ संस्थान की तरफ से। देखिएगा, सबसे पहले तो आपको बता दी जाए कि कुल देवता का तात्पर्य है कुल का देवता, अर्थात आप जिस भी कुल में जन्म लेते हैं उस कुल की रक्षा हेतु एक देवता को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, काफ़ी सारे कुल होते हैं, आप जिस कुल में पैदा होते हैं उस कुल के देवता को नियुक्त किया जाता है। और हमारे गांव में या फिर शहरों में इन कुल देवता को काफ़ी मान्यता भी दी गई है, या फिर जो क्षेत्रीय जो देवता होते हैं, ठीक है, जिनको क्षेत्रपाल बोला जाता है, उनको भी कुल देवता मान लिया जाता है। कुछ लोग अपने इष्ट को कुल देवता मान लेते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। हर एक कुल का देवते अलग अलग होते हैं, या वो कोई भी हो सकते हैं, भैरव हो सकते हैं, ठीक है, एक पुरुष शक्ति भैरव भी हो सकते हैं, ठीक है, या कोई अन्य प्रकार की कोई शक्ति भी हो सकती है, ठीक है, कोई वीर भी हो सकते हैं, कोई पीर भी हो सकते हैं, कोई फकीर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, इसमें आप कुछ नहीं कह सकते। और कुल देवता की नियुक्ति जो है वो कुल देवियाँ करती हैं। कुल देवी कुल देवता से बड़ी होती हैं और कुल देवियाँ ही कुल के देवता की नियुक्ति करती है। जब तक कुल देवता की हमारे ऊपर पूर्ण कृपा नहीं होती, तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता, ठीक है। जब तक कुल देवता की कृपा नहीं होती, तब तक हमारा कोई भी कार्य पूर्ण रूप से सिद्ध हो ही नहीं सकता। ऐसा क्यों? हमारे कार्य की सिद्धि के लिए तीन लोग अति आवश्यक होते हैं। पहला होता है कुल देवता, फिर सबसे जो सर्वोपरि होती है वो होती है कुल देवी, और फिर जो तीसरा नंबर आता है हमारे पितरों का, ठीक है। तो सबसे पहले कुल देवी, फिर कुल देवता, फिर पितृ। तो अगर जिसके और जो पितृ होते हैं वो पितृ होते हैं हमारे कुल देवता के अंडर में, और पितृ और कुल देवता ये दोनों होते हैं कुल देवी के अंतर्गत, ठीक है। अगर हमारे पितृ देवता रुष्ट हैं तो कुल देवता के द्वारा उनको मनाया जा सकता है, लेकिन कुल देवता रुष्ट होते हैं तो पितृ देवता के द्वारा नहीं मनाया जा सकता। तो इसलिए हमें अपने अपने कुल देवता के बारे में यथासंभव जानकारी रखनी चाहिए कि हमारे कुल देवता कौन है। और एक बात और, अगर कोई भी साधक या कोई भी व्यक्ति अपने कुल देवता को पूर्ण रूप से प्रसन्न कर ले तो उसके जीवन में, इस बात की पूरी गारंटी और प्रूफ के साथ मैं बोल सकता हूँ कि उसके जीवन में कभी भी दुख परेशानियाँ नहीं आएंगी, क्योंकि कुल देवता उस व्यक्ति को सारी चीज़ें प्रोवाइड करा देते हैं, सारी चीज़ों की व्यवस्था कर देते हैं। या वो धन से संबंधित समस्या हो, ठीक है, जॉब से संबंधित समस्या हो, या वो अन्य किसी और भी चीज़ से संबंधित समस्या हो, तो कुल मेरे हिसाब से हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार कुल देवता की साधना अवश्य करनी चाहिए। कुल देवता का महत्व तो काफ़ी हद तक माना जाता है, ठीक है, तो कुल देवता की साधना अवश्य करें, किसी भी प्रकार से करें। जिन लोगों को पता है उनके कुल देवता कौन है, अगर वो उनके प्रत्यक्ष दर्शन या अप्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हैं तो भी साधना करें, नहीं तो जो भी सामान्य भोग पूजा उनका होता है तो वो नॉर्मली भोग पूजा दे सकते हैं। और श्रावण मास चल रहा है तो श्रावण मास 30 दिन का होता है पूरा,
ठीक है, 30 दिन के अंदर का जितने भी दिन होते हैं ये सारे के सारे भैरव के दिन और शिव जी के दिन होते हैं, क्योंकि शिव के पुत्र हैं भैरव। ठीक है, तो अगर इन दिनों में अगर कुल देवता की साधना की जाए तो पूर्ण रूप से वो फलीभूत होती ही होती है। तो सारे साधकों का जो प्रश्न था उसका उत्तर मैंने दे दिया है, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों की कुल देवता को लेकर जो जिज्ञासा है वो पूर्ण रूप से शांत भी हो चुकी होंगी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आगे जो भी आप सभी लोगों के प्रश्न होंगे इसी प्रकार से आपको उन प्रश्नों के यथासंभव समय रहते आपको उत्तर प्रदान कर दिए जाएंगे। संस्थान की तरफ से हम आपके मंगल भविष्य की कामना करते हैं। जय श्री माता रानी, जय श्री माता रानी। तो आज के लिए बस इतना ही। इस विषय पर अधिक जानकारी और मार्गदर्शन की प्राप्ति के लिए आप ऊपर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से चैनल संचालक और साधना सिद्धि मार्गदर्शक पंडित श्री रवीश कोटियाल जी से बेझिझक संपर्क साध सकते हैं। कल एक बार फिर ऐसी ही रहस्यमय, हैरतंगेज और रोमांचित कर देने वाली, अब तक छिपी छिपाई गई विभिन्न प्रकार की दुर्लभ गोपनीय इतर योनियों विद्याओं की साधना सिद्धि के संबंध में जानकारी लेकर आप सभी शिष्यों के समक्ष जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आदेश, जय माता रानी की, जय श्री महाकाल।